अरे अभी हम सभी दोस्त जो हैं घूमने के लिए आ चुके हैं, और इसमें सभी दोस्त जो है लगभग टीचर ही हैं। ये हमारे सोनू सरोदय, इधर जो है अमित सर हैं, इधर राजेंद्र सर हैं, और ये शंभू सर हैं, इधर सुनील सर भी है, और पीछे जो आप देख रहे हैं हमारे आलोक सर नज़र आ रहे हैं। तो अपने आर्ट से हम लोग जो हैं अचानक प्लान बना कि चलते हैं घूमने के लिए, तो हम गंगा नदी तो देखने के लिए आ गए हैं। बहुत दिनों के बाद हम लोग जब एकत्रित हुए तो सोचे थोड़ा चलते हैं। तो अभी हम लोग पचासा में हैं, और उसका सीन आप तो हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये पूरा जो आप तो दिखाई दे रहा है, ये दियारा क्षेत्र हम लोगों का बोला जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारे पीछे, इधर भी देख रहे हैं, देखिए कितना है, बहुत यानी कि प्रकृति का बहुत बढ़िया सुनहरा मौसम जो है ये हो रहा है। तो हम आप तो अब ले चलेंगे गंगा नदी के तट पे, और वहाँ दिखाएंगे कि मेरा गंगा नदी कैसे है, वहाँ से बालू निकलता है, उस सब चीज़ों की चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा, तब तब जो है हम दिखाने के लिए ले चलते हैं। देखिए दोस्तों अभी चल रहे हैं, और ये हम लोग स्वच्छ हवा का आनंद ले रहे हैं, स्वच्छ हवा का आनंद ले रहे हैं हम लोग। ऑक्सीजन पूरी, अगर किसी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए आइए हमारे इस क्षेत्र में, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा। सर कुछ बोलिए। देखिए हमारे अमित सर हैं, अमित सर तो लाना चाहेंगे। ये जो है हमारे भी गुरुदेव रह चुके हैं, ठीक है, आइए। हाँ गुरुदेव रह चुके हैं अमित सर, थोड़े बच्चे तो बताइए सर। सतीश सर ही हमारे गुरुदेव हैं, हम तो इनके यहाँ पढ़ने आते हैं। कौन गुरुदेव है, क्लियर कर लीजिए। तो देखिए इन तो हम लेते हुए चलते हैं, कहीं छोड़ते नहीं हैं, बेचारे तो अकेला है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़े से आलोक सर के पास। आलोक सर आइए, अकेला है। हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं इधर, काफ़ी दिन बाद हम सब एक साथ मिले हैं। दियारा क्षेत्र हम लोग घर से 2 किलोमीटर जस्ट दूरी पर, ये इतना बड़ा अच्छा नज़ारा है। सुबह सुबह दिवाली के अवसर पर हम सारे भाई एक साथ घूमने के लिए निकले हैं, सारे भाई। बहुत दिनों के बाद, लगभग 2-3 साल बाद हम लोग साथ मिले, इसलिए इस नज़ारे को देखने के लिए। बस हम लोगों के लिए सुनहरा अवसर है एक तरह का ये सब। धन्यवाद, दिवाली का एंजॉय कीजिए, आप लोग भी पढ़िए लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सब सभी लोग को। आइए सुनील सर, थोड़ा आप भी बताइए। आइए आइए, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। जोर से बोलिए। आज हम लोग अपने क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो भाई लोग काफ़ी दूर से दीपावली के लिए फेस्टिवल मनाने के लिए आए हैं, उनके साथ घूमने का मौका मिला है। नहाने गया था, चलो ठीक है हम लोग आते हैं। तो हम लोग अभी गंगा किनार के पास जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ घूमेंगे और भ्रमण करेंगे कि नेक्स्ट दीपावली के बाद जो छठ पर्व होगी उसमें कैसे क्या किया जाए, ताकि यहाँ के ग्रामीण लोग को किसी प्रकार की परेशानी ना हो गंगा जी में खड़ा होने के लिए, या फिर किसी भी उद्देश्य से नहाने में, या फिर जो भी हो उसमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। चलिए धन्यवाद। चलिए तो फिर हम दिखाते हैं अब बालू तो ऐसे ही निकलता है गंगा नदी से। तो देखिए ये सभी दोस्त जो है बालू जो है देख रहे हैं, बालू के पीछे आप तो गंगा नदी दिखाई दे रहा होगा। देखिए जरा सही से देखिए, गंगा नदी दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी दूर दूर तक भी अच्छी है। और ये देखिए बालू की क्वालिटी हम बताएं, देखिए दिखाइए सर बालू की क्वालिटी थोड़ा दिखाइए जरा। ये देखिए बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग। तो अगर आप भी घूमना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ आ सकते हैं, कमेंट करते, ठीक है। तो आप लोगों तो भी घुमाएंगे। देखिए कितना बढ़िया मौसम, बहुत सुनहरा सर। तो आप बालू पर आनंद लीजिए थोड़ा। चलिए ये देखिए, आह कितना बैठने में मज़ा आ रहा हो, आह क्या मज़ा है। देखिए चलिए, तो अब जो है तरी नागेंद्र सर तो हम बुलाते हैं, नागेंद्र सर ये देखिए, ये हमारे बड़े भैया है, ठीक है, हमसे बड़े हैं। सभी भाइयों को हैप्पी दिवाली। हम लोग आज आए हैं गंगा जी का भ्रमण करने, जो छठ पूजा की जो तैयारी होता है,
उसमें निरीक्षण करने की कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, खड़ा होने में कहाँ बनेगा, वही निरीक्षण कर रहे हैं हम लोग। समस्या को दिखाइए सर, सभी भाइयों मिलकर समस्या इस बार बहुत है। चलिए तो हम सबसे सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की समस्या तो हम दिखाते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप तो हम बताए थे कि गंगा नदी बताएंगे, तो हम पूरी तरह से किनारे में आ गए हैं। देखिए मेरे पीछे जो पानी है और हम नाव पर बैठ चुके हैं, देखिए पीछे पानी ही पानी है, देख रहे हैं ये, देखिए। तो हम इधर जो है आराम से बैठ गए हैं, उधर सुनील सर भी हैं, ठीक है, और इधर हमारे शंभू सर भी हैं। दूसरी बात, गंदगी आ रही है, देखिए गंगा नदी का पानी अभी प्रदूषित हो चुका है काफ़ी, और ये देखिए अभी हम नाव पर हैं वर्तमान में। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग दिवाली सही से मनाएं, एकदम पर्यावरण के। कैसे दिया जलाना, महंगा हो गया है लेकिन मिट्टी का दिया जलाना है, पटाखा भी छोड़ना है यथासंभव जो है मिट्टी का। पटाखा से पोल्यूशन बहुत बढ़ेगा, नहीं पटाखा जरूर छोड़िएगा, ऐसा नहीं है पटाखा नहीं चाहिए, ठीक है, बाय। लेकिन सब